के कागज व्यापारियों ने आज अमेरिका से आने वाले पेपर पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में आज जंतर मंतर पर स्कूली बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मांग की कि जिस पेपर पर प्रतिबंध लगाया गया है उस पर से प्रतिबंध हटाया जाए। ये जो माल हमारा गवर्नमेंट ने बैन किया है तकरीबन 1 लाख टन के साल में आता था, तकरीबन 1 लाख टन के साल में आता था और ये रोल में आता है और ये हमारे छोटे छोटे जो कारखाने लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में उसको कन्वर्ट करते थे, उसे कॉपी किताब बनाते थे, वालों को देते थे माल। ये सस्ता माल होता था, इसमें हमारे काफ़ी मजदूर लोग इसमें लगे हुए थे, जबकि चाइना और कोरिया से जो माल आता है वो प्राइम माल सीटों में आता है, उसमें कोई लेबर रोल नहीं होती है। और हमारा जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं वो गवर्नमेंट ने ये जो बड़े उद्योगपतियों ने हमारे पेपर को बैन कराया है क्योंकि ये 15-20% सस्ता होता है, वही हमारी कॉस्ट जो है कन्वर्टिंग में लग जाती है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने बगैर हमें बताए जो प्रतिबंध लगाया है उससे छोटे उद्योग पर असर पड़ेगा, इसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आयात पेपर पर प्रतिबंध की वजह से पेपर काफी महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर शिक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि पेपर महंगा होने की वजह से बच्चों की किताबें कॉपियां महंगी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। 31 जनवरी को सरकार ने डीजीएफटी से एक नोटिफिकेशन निकाल दी, जो सस्ता कागज आयात होता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, बगैर किसी से बात करके हम लोगों को बुलाए, जिससे हमारी कॉपी किताबें महंगी हो गई, सब लोग बेरोजगार हो गए और दिल्ली में 1 लाख फैमिली में इमीडिएटली इफेक्टिव हो। विनय जी, सवाल ये उठता है कि 48-10 के अंदर अभी ये लागू किया गया है, 48-10 में जो सरकार जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है वो क्या पैदा हो रहा है? कन्फ्यूजन इसमें कुछ नहीं है जी। 48-10 के अंदर सरकार ने जो चाइना का माल है, जो महंगा माल है, उसका इम्पोर्ट अलाउड करा है और कोरिया का अलाउड करा है, जो सस्ता माल जो आता है जिससे गांव देहातों में कॉपी किताबें जाती थी उसको पे उन्होंने इमीडिएटली रोक लगा दिया, जिसकी टोटल इंडिया का इम्पोर्ट का कोई 5-10% है, इससे ऊपर वो है ही नहीं।